गुड मॉर्निंग। मानव भूगोल के अंतर्गत आज अपना पांचवा अध्याय शुरू होगा और अपना पांचवा अध्याय है जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। जनसंख्या प्रवास एवं मानव विकास। तो देखिए, सबसे पहले आज हम प्रवास पर चर्चा करेंगे। तो प्रवास का अर्थ जो है वो स्थानांतरण से है, अर्थात प्रवास स्थानांतरण की ही एक प्रक्रिया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की एक प्रक्रिया है। तो देखिए कि मानव एक सामाजिक प्राणी होने के साथ साथ एक गतिशील प्राणी भी है। अतः मनुष्य प्राचीन काल से ही विभिन्न प्राकृतिक, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि कारकों से प्रभावित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर प्रवास करता रहा है, अर्थात उनके प्रति आकर्षित होकर के मानव ने प्रवास किया है। लेकिन जब आज गतिशीलता के अधिक अवसर उपलब्ध होते हैं तो स्थानांतरण मानव की इच्छा का कारण बन गया है। इसलिए प्रवास को सामान्य जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कुछ निश्चित संख्या में मनुष्यों के परिवर्तन के रूप में ही नहीं देखा जाता, बल्कि बसने के लिए चुने गए स्थानों एवं छोड़े गए स्थान, यानी एक स्थान वो जिसको जाने के लिए चुनता है और एक स्थान वो जिसको वह छोड़ करके जाता है, दोनों ही समाजों के सामाजिक, व्यवसायिक और वहां की जननांकीय संरचना में परिवर्तन के कारण के रूप में भी समझा जा सकता है। अर्थात जहां पर जाता है वहां के सामाजिक, व्यवसायिक, जननांकीय सभी संरचनाओं में परिवर्तन आता है और जहां से जाता है, यानी दोनों जगह परिवर्तन देखा जा सकता है। तो हम प्रवास को इस प्रकार से परिभाषित करते हैं। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार प्रवास एक प्रकार की भौगोलिक प्रवासिता है जो एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई के मध्य देखने को मिलती है, अर्थात एक भौगोलिक इकाई से दूसरी भौगोलिक इकाई दोनों के मध्य देखने को मिलती है। तो इसमें रहने का मूल स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों ही भिन्न भिन्न होते हैं, अर्थात रहने का स्थान और पहुंचने का स्थान दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो इस प्रकार के प्रवास अधिकतर स्थायी प्रकृति के होते हैं, क्योंकि इसमें मानव का निवास स्थान स्थायी रूप से परिवर्तित हो जाता है। इसलिए इस प्रकार के जो प्रवास हैं वो लगभग
स्थाई प्रकृति के होते हैं। अगली बड़ी बात देखिए, भोग महोदय के अनुसार, भोग महोदय के अनुसार एक मानव समुदाय द्वारा अपने स्थान को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर जाकर रहना या बसना ही प्रवास कहलाता है। भोग महोदय कहते हैं कि कोई भी मानव मानव समूह अपने स्थान को छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर जाकर के निवास करता है वही प्रवास कहलाता है, उसी को हम प्रवास कहेंगे। और इस प्रवास के दो भेद होते हैं, प्रवास के दो भेद होते हैं, पहला है उत्प्रवास और दूसरा है आप्रवास। तो सबसे पहले देखिए उत्प्रवास हम किसे कहेंगे, स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें मानव एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं उत्प्रवास कहलाता है। उत्प्रवास अर्थात उत्प्रवास स्थानांतरण की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक स्थान से मनुष्य दूसरे स्थान पर जाता है या दूसरे स्थान को जाता है। जैसे यूरोप से उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया आदि देशों में गमन हुआ है। दूसरा है आप्रवास। तो आप्रवास देखिए स्थानांतरण की वह प्रक्रिया जिसमें बाहरी स्थानों से मानव किसी देश के अंदर आते हैं वह प्रक्रिया या स्थानांतरण की वह प्रक्रिया आप्रवास कहलाती है। अर्थात आगमन की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा बाहरी स्थानों से मानव किसी प्रदेश या स्थान के अंदर आते हैं, जैसे उत्तरी अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, इटली, फ्रांस आदि देशों से मनुष्यों का आगमन होता रहता है। तो इस प्रकार से ये आगमन की प्रक्रिया जो है ये वहां के लिए आप्रवास होती है। अब देखो कि मानव जो है वो प्रवास क्यों करता है, उसके क्या कारण हो सकते हैं। तो मुख्य रूप से हम इसको दो प्रकार से समझ सकते हैं। नंबर एक आकर्षक कारण भी हो सकते हैं और नंबर दो प्रतिकर्षक कारक भी हो सकते हैं। आकर्षक का मतलब होता है अपनी ओर आकर्षित करना, या हम कहें वे कारक जो मानव को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वो कारक सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, सांस्कृतिक हो सकते हैं, यानी उन कारकों के वशीभूत होकर के, उन कारकों के प्रति मानव आकर्षित होकर के अपना स्थान छोड़ करके अन्यत्र वहां पर दूसरी जगह पे चला जाता है। जैसे वहां पर रोजगार के अवसर अच्छे होंगे, वहां पर शिक्षा की व्यवस्था अच्छी होगी, या वहां पर की जलवायु अच्छी होगी, कोई भी कारक हो सकता है। तो उन कारकों के वशीभूत होकर के व्यक्ति अन्यत्र गमन करता है। तो जाने की यह जो प्रक्रिया है वो कहलाती है आकर्षक प्रक्रिया या आकर्षक कारक।
दूसरा है प्रतिकर्षक कार्य। तो प्रतिकर्षक का मतलब होता है कि मानव जहां पर रह रहा है वहां का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा, वहां पर रोजगार के साधन कम हो सकते हैं, वहां का जो वातावरण है वो अच्छा नहीं होगा, तो उनसे एक तरह से परेशान होकर के अन्यत्र जाने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिकर्षक कारक कहलाती है। अर्थात उन कारकों से मजबूर होकर के वो राजनीतिक भी हो सकते हैं, सामाजिक भी हो सकते हैं, आर्थिक भी हो सकते हैं, उनसे परेशान होकर के मानव अन्यत्र गमन करता है, दूसरे जगहों पर जाता है। तो यह है प्रवास की जो प्रक्रिया है उसका जो कारक है वो प्रतिकर्षक कारक कहलाता है। इसके उपरांत हम देखेंगे कि प्रवास जो है उसके पक्ष कौन कौन से हैं, कि प्रवास जो है उसके जो पक्ष हैं उन पक्षों को हम कितने भागों में बांट सकते हैं। मानव प्रवास के पक्ष, कि मानव प्रवास के कौन कौन से पक्ष होते हैं, तो मुख्यतः हम मानव प्रवास के पांच पक्षों का अध्ययन करेंगे। नंबर एक देश पक्ष, तो देश पक्ष नाम लिख देते हैं। दूसरा है काल पक्ष, तीसरा है कारण पक्ष, चौथा है संख्या पक्ष और पांचवा है स्थिरता पक्ष। तो यहां पर देखिए देश पक्ष जो है, तो देश पक्ष के अंतर्गत ये विचार किया जाता है कि वहां की जनसंख्या किस देश या क्षेत्र से कहां को प्रवास करती है, यानी कहां से कहां को प्रवास करती है, इसको हम अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय या स्थानीय प्रवास भी कह सकते हैं। अर्थात कि मानव एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में जाता है या एक देश से दूसरे देश में जाता है या देश के अंदर एक दूसरे राज्यों की ओर प्रवास करता है, तो देश पक्ष के अंतर्गत इन पर विचार किया जाता है। जैसे एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप को प्रवास, जिसको हम अंतर महाद्वीपीय प्रवास कहेंगे, एक देश से दूसरे देश को प्रवास जिसको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास कहेंगे, और एक देश के आंतरिक भागों में जैसे एक राज्य से दूसरे राज्य के अंतर्गत तो उसको हम अंतरराज्यीय या राष्ट्रीय प्रवास कह सकते हैं। दूसरा है काल पक्ष। काल पक्ष आपकी का होता है समय से, समय से कि जो प्रवास हो रहा है
वो कितने समय के लिए हो रहा है, किस प्रकार का हो रहा है। तो इसके अंतर्गत दीर्घकालीन प्रवास भी हो सकता है लंबे समय तक के लिए, और सामयिक प्रवास भी हो सकता है, दैनिक प्रवास भी हो सकता है। जैसे कुछ लोग गांव से शहरों की ओर दैनिक मजदूरी के लिए जाते हैं, सुबह जाते हैं शाम को वापस आ जाते हैं, तो इस प्रकार का जो प्रवास है वो दैनिक प्रवास के अंतर्गत आता है। तो इसको हम काल पक्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं, और काल का शाब्दिक अर्थ समय से होता है। तीसरा जो पक्ष है वो है कारण, कि जो प्रवास है उस प्रवास का कारण क्या है, कि प्रवास क्यों करना चाहता है। तो इसमें जनसंख्या प्रवास के कारणों पर विचार किया जाता है। वो कारण भौतिक हो सकते हैं, सामाजिक हो सकते हैं, आर्थिक हो सकते हैं, राजनीतिक हो सकते हैं। तो इस प्रकार के सभी कारणों को हम उनके अंतर्गत शामिल कर सकते हैं। रोजगार भी उसका कारण हो सकता है, ठीक है। तो इस प्रकार से उसका कोई भी कारण हो सकता है, ऐसे कारणों को हम कारण पक्ष के अंतर्गत शामिल करते हैं, कि उसके जाने का क्या कारण है। अच्छा रोजगार हो सकता है, अच्छी शिक्षा हो सकती है, आर्थिक धनार्जन करना है, इस प्रकार के कोई कारण हो सकते हैं। चौथा जो पक्ष है वो है संख्या का पक्ष, और प्रवास में संख्या में इस बात पर विचार किया जाता है कि देश से बाहर जाने वाली प्रवासिता या उत्प्रवासिता जनता और बाहरी देशों से आने वाली अप्रवासी जनता की संख्या कितनी है, यानी उस देश से, उस राज्य से, उस महाद्वीप से जाने वालों की संख्या कितनी है, और अन्यत्र देशों से, अन्यत्र क्षेत्रों से आने वालों की संख्या कितनी है, उस पर विचार किया जाता है। तो इस पक्ष को हम लेते हैं संख्या पक्ष के अंतर्गत। पांचवा जो पक्ष है वो है स्थिरता पक्ष। तो स्थिरता पक्ष जो है, ऐसे प्रवास जिसमें प्रवासी जनता नए देशों में जाकर स्थायी प्रकार से बस जाती है या अस्थायी रूप से, इस पर विचार किया जाता है कि कुछ लोग अन्य देशों में जाकर के वहां पर स्थायी रूप से बस जाते हैं, कुछ लोग कुछ समय उपरांत वापस आ जाते हैं। तो पांचवा जो पक्ष है स्थिरता, उस स्थिरता पर यह विचार किया जाता है कि प्रवासित जो जनसंख्या है वो वहां पर जाकर के स्थायी रूप से वास करती है या अस्थायी रूप से वहां पर वास करती है, इन दोनों पर यहां पर विचार किया जाता है। तो इस प्रकार से मानव प्रवास के ही पांच पक्ष होते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे स्थानांतरण के प्रकार। स्थानांतरण के प्रकारों में पहला है अंतरराष्ट्रीय, और दूसरा है अंतर्देशीय। अंतर्राष्ट्रीय स्थानांतरण के अंतर्गत जैसा कि हमने पहले चर्चा की थी, एक राष्ट्र से दूसरे राष्ट्र में प्रवास करना, जैसे यूरोपीय प्रवास के बारे में हमने पढ़ा था कि यूरोप महाद्वीप के उत्तरी पश्चिमी भागों से दूसरे देशों में सबसे अधिक प्रवास रहा, उसमें
यूरोप की 90% जो जनसंख्या थी वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में जाकर के निवास करने लगी, और उन्होंने अपनी उच्च तकनीकी का उपयोग करके वहां जाकर के उन संसाधनों का, वहां पर पाए जाने वाले संसाधनों का तीव्र गति से दोहन करके और उत्तरी अमेरिका को एक विकसित राष्ट्र के रूप में उजागर किया। तो अंतरराष्ट्रीय प्रवास के अंतर्गत हम उस प्रवास की प्रक्रिया को शामिल करते हैं जिनमें लोग एक देश को छोड़ करके दूसरे देश में या एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप में स्थानांतरण करते हैं, उनको हम अंतरराष्ट्रीय प्रवास की श्रेणी में शामिल करते हैं। दूसरा है अंतर्देशीय स्थानांतरण, अर्थात एक ही देश के विभिन्न राज्यों या प्रदेशों के मध्य जो प्रवास होता है उसे हम अंतर्देशीय प्रवास या अंतर्देशीय स्थानांतरण कह सकते हैं। यह है दो प्रकार का होता है, एक अंतर्राज्यीय प्रवास, यानी एक देश के अंदर के राज्यों में प्रवास करना, जैसे अपने भारत देश जो है उसमें अलग अलग राज्यों से अलग अलग राज्यों में, जैसे पंजाब से केरल के अंतर्गत या राजस्थान से उत्तर प्रदेश के अंदर, इस प्रकार का जो प्रवास है अर्थात एक राज्य से दूसरे राज्य के मध्य जो प्रवास होता है उसको हम अंतरराज्यीय प्रवास कहते हैं, जिसमें एक राज्य को छोड़कर के दूसरे राज्य में जाकर के रहा जाता है, स्थाई या अस्थाई प्रकार वो उसका हो सकता है। तो इसमें दोनों क्रियाएं शामिल होती हैं, उत्प्रवास भी होता है और आप्रवास भी होता है। तो एक राज्य से उत्प्रवास हुआ तो दूसरे राज्य को आप्रवास की श्रेणी में लाते हैं। दूसरा है स्थानीय प्रवास, इसका दूसरा भाग है स्थानीय प्रवास, अर्थात एक राज्य के अंदर, एक राज्य के अंदर ही उस राज्य के दूसरे अन्यत्र शहरों में प्रवास करना, या हम कह सकते हैं कि एक ही राज्य के अलग अलग क्षेत्रों में प्रवास करना ही क्या कहलाता है, स्थानीय प्रवास कहलाता है, जो एक ही राज्य के अंदर उसके अलग अलग जनपदों के मध्य होता है उसको स्थानीय प्रवास कहते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे ये जो प्रवास है उस प्रवास के क्या परिणाम होते हैं, प्रवास के परिणाम, यानी एक जगह से लोग जाते हैं दूसरी जगह पर जाते हैं तो दोनों जगहों पर किस प्रकार की समानताएं असमानताएं पैदा हो जाती हैं उनका हम अध्ययन करेंगे। जनसंख्या प्रवास के परिणाम के अंतर्गत देखें, पहला हम लेते हैं जनसंख्या संतुलन का बिगड़ना, अर्थात प्रवास के कारण वहां की जनसंख्या का संतुलन बिगड़ जाता है कि जिस स्थान से लोग जाते हैं वहां की जनसंख्या कम हो जाती है और जहां पर जाकर के रहते हैं तो वहां की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि प्रवास के कारण जनसंख्या जो है उसका संतुलन बिगड़ जाता है। दूसरा है प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार और प्रसार होता है, कि प्रवास के कारण संस्कृति का प्रचार प्रसार
प्रवासी लोग अपने साथ अपनी तकनीकी, अपना धर्म, अपनी परंपराएं, अपने रीति रिवाज, अपनी भाषा आदि को लेकर के जाते हैं, जिसका प्रभाव वहां के स्थानीय लोगों पर पड़ता है एवं उस स्थान की जो संस्कृति है वो प्रभावित होती है। तो वहां की संस्कृति पर भी इसका प्रभाव देखा जा सकता है। तीसरा है प्रवास के कारण जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं वहां पर पैदा हो जाती हैं, जैसे वहां का रहन सहन, वहां का खान पान, वहां बेरोजगारी बढ़ जाती है, निर्धनता बढ़ जाती है, सघन जनसंख्या के कारण रोजगार के अवसर कम हो जाते हैं और वहां का पर्यावरण प्रदूषण भी बढ़ जाता है। तो जनसंख्या से संबंधित अनेक प्रकार की समस्याएं प्रवास के कारण पैदा हो जाती हैं। चौथा है प्रवासी लोगों का प्रभावी होना। जहां प्रवास बहुत अधिक हो जाता है, प्रवासी बहुत ज्यादा होते हैं, तो वहां की संस्कृति को खतरा हो जाता है और प्रवासी लोगों की संस्कृति जो है वो वहां पर हावी हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रवासी लोगों का जो प्रभाव है वो हावी हो जाता है। पांचवा है आर्थिक विकास, कि जहां पर जाते हैं वहां का आर्थिक विकास भी बढ़ता है। जैसा कि हमने देखा कि यूरोप से कुछ लोग वहां संसाधन कम होने के कारण, वहां संसाधनों की कमी के कारण उत्तरी अमेरिका में जाकर के रहने लगे थे और उत्तरी अमेरिका में जाकर के वहां के संसाधनों का अच्छा उपयोग करके और अपनी तकनीकी ज्ञान के कारण वहां अति शीघ्र विकास किया और उत्तरी अमेरिका को विकसित राष्ट्रों की श्रेणी में ला खड़ा किया। इस प्रकार से हम देखते हैं कि वहां का आर्थिक विकास भी होता है। तो ये था आज का अपना टॉपिक प्रवास। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, आपका दिन शुभ हो।